यू मुंबा बनाम पटना पायरेट्स। और इस जंग के बीच की इतनी सारी छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जिनकी पूरे मैच में हम चर्चा करेंगे। क्या बिल्कुल, पूरब या पश्चिम, ईस्ट या वेस्ट, जो भी कहो, कबड्डी इज द बेस्ट। और मोनू गोयत ये पहली रेड पर, सचिन तंवर ये राजस्थान से आए हैं, खेलते हैं पटना पायरेट्स के लिए। और इस वक्त सुपर टैकल ऑन है और सुपर ओहो, एक वक्त के लिए लगा कि फजल अतराचली ने उन्हें अकेले अपने दम पर खींच लिया, लेकिन बढ़िया सचिन तंवर अपनी हाइट और लंबे अंग का, जो हाथ का जो इस्तेमाल किया है उन्होंने, ये कामदार रहा। हालांकि कंप्लेंट हुई है कि यहाँ पे जर्सी पुलिंग हुई है, ये देखिए साहब, जर्सी पुलिंग, तगड़ी जर्सी पुलिंग है मंत्रा। ये तो सचिन ने मिड लाइन क्रॉस कर ली, ना भी की होती फिर भी वो सेफ होते। या शिवम को एक बार देख चुके हैं हम इस टूर्नामेंट में, और ज्यादा नहीं दर्शाया उन्होंने अपना खेल, लेकिन डिसेंट रेडर के तौर पर दिखाई दिए थे। लेफ्ट कॉर्नर पर है शादलू, राइट कवर पर है नीरज, दोनों बहुत कमाल की फॉर्म में हैं। सुनील आए और शादलू का सपोर्ट आया, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन, सातवीं कामयाबी पटना को डिफेंस में आज। 19-9, 10 पॉइंट का डिफरेंस है। पटना पायरेट्स एक और फाइनल्स की तरफ बढ़ सकती है, और अगर इस तरीके से खेलेगी तो आज रात कोई फाइनल करवा दो। पटना पायरेट्स, ये दो पॉइंट बड़े कीमती हैं। पीके राय दो पॉइंट लाए, फजल और मोहसिन दोनों ईरानी भाइयों को बाहर भेज दिया ईरानी चाय पीने के लिए। दोनों एक साथ चेन में खड़े थे, मोहसिन ज्यादा टाइम राइट इन पे थे, इस बार लेफ्ट इन पे गए। प्रशांत का बॉडी का फोर्स, उनकी लंबाई कैसे घूमे, और जैसे ही डाइव लगाए नंबर 55 मोनू को कहा सपोर्ट देने जाना। तो क्या ऑल आउट अभिषेक एक बार दे पाएंगे यू मुंबा को, जवाब है नहीं। क्या बात है, संगठन में शक्ति है, और ये सुपर टैकल है। ये क्या हो रहा है सुनील, कितनी देर उठा सचिन पूछ रहे हैं कि क्या साहब कल विसल बजाने वाले थे क्या। स्ट्रगल कितनी देर अलाउड है सुनील, 30 सेकंड। अंपायर ने टाइम लिया, सही किया, या तो 30 सेकंड का टाइम चलता रहे या रेडर की कबड्डी कबड्डी की कांट चलती रहे। अगर दोनों चीजें चल रही हैं तो रेडर को पूरा टाइम मिलता है। बैक लाइन तक ले गए 20 पॉइंट के बड़े मार्जिन से, पटना ने यू मुंबा को हराया है, सीजन 6 के बाद पहली बार हराया है, और हराया नहीं धोया है।